Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कहते हैं प्यार अंधा होता है, सही कहते, क्योंकि अगर प्यार एक बार हो जाए, प्यार ना रंग देखता है ना रूप, प्यार देखता है तो प्यार करने वालों के दिल, उनका पागलपन, उनका जुनून। हमारी आज की कहानी दो ऐसे आर्टिस्ट के बारे में है जो दुनिया को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं, आरोही और नील। अब नील आरोही से प्यार तो करता था, उसे महसूस भी कर सकता था, बट वो उसे देख नहीं सकता। तो ऐसे लव स्टोरी का क्या फ्यूचर होगा? क्या आरोही रणवीर की जिंदगी में रोशनी ला पाएगी, या इन दोनों की लव स्टोरी किसी अंधेरे में खो जाएगी? आइए देखते। Excuse me. जी? Hi. मुझे वो एनरोलमेंट फॉर्म्स चाहिए थे। कौन से डिपार्टमेंट का? टेक्सटाइल, मेटल, पेंटिंग, ये सब तो बंद हो गए। आप बात कर रहे हो? आपको कौन से डिपार्टमेंट का चाहिए? स्कल्पचर। स्कल्पचर? हाँ। वो सामने कमरा देख रहे हैं ना? हाँ। वहाँ सर बैठे हैं, उनके पास मिलेगा। ओके। जल्दी जाइए, नहीं तो वो भी चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। Hi. Oh, enrollment forms देंगे, please. वहाँ उधर टेबल पर ट्रे पड़ी है, वहाँ से ले लीजिए, along with the pen. बिल्कुल टाइम पर आ गई। अगर एक भी मिनट लेट होती तो मैं चला गया होता, इसलिए प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए। आई हैव टू लीव। आई एम ट्राइंग। ओके। अभी तो आप बोल रहे थे जल्दी ले लो, तो ये क्यों नहीं ले रहे? दो फॉर्म्स हैं। हाँ, मैं और मेरी फ्रेंड रीति दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। So that means 30,000 rupees. I know that. Yeah. पूरे हैं या मुझे गिनने की जरूरत है? Are you doubting me? I was just making sure. I don't have to come. Okay, so am I done? Yeah, thanks. Also, class kal subah theek 9 baje. Be on time. Aaj ki tarah late mat hona. Listen, mister. You don't even know me, okay? Aur ye tum na chashma pehen ke, you don't think you're very cool. Main aaj late hui, hamesha late nahi hoti. So don't teach me anything. अरे मैडम। हाँ? फॉर्म मिल गया? हाँ मिला, और उसके साथ एक बदतमीज इंसान भी मिला मुझे अंदर। जी कौन? अरे वही जो सनग्लासेस लगा के बैठा था बंद कमरे में। यू नो वॉट अंकल, उसे लगता है कि वो कूल है, बट टू बी ऑनेस्ट ना, वो ऐसे कूल नहीं लग रहा था, अंधा लग रहा था। कहीं आप नील सर की बात तो नहीं कर रही? नाम नहीं पूछा मैंने उनका। वही तो सिखाते हैं स्कल्पटिंग और आर्ट, वो देख नहीं सकते ना, इसलिए चश्मा लगाते हैं। था
कोई बात नहीं, सॉरी बोल देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आई कैन सी दैट यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू बी हियर इन द क्ले मोल्डिंग क्लास। ओह, आप सब लोग सोच रहे हैं हाउ कैन आई सी, या आप सोच रहे हैं ये अंधा स्कल्पचर हमें कैसे सिखाएगा। अच्छा बताइए कि क्ले मॉडलिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? क्ले। He's right. It is क्ले। पर क्ले से भी पहले कुछ और जरूरी चीज है, बताइए वो क्या है? सब्जेक्ट, जिसे देखकर स्कल्पचर बना सके। यस, और आप वही है ना जो कल आई थी लेट सबमिशन? अब सर, आई एम रियली सॉरी, यू नो एक्चुअली आई रियली डिडंट मीन टू यस्टरडे। टू व्हाट? नो, वो मैंने आपके सनग्लासेस के बारे में बहुत मजाक उड़ाया था ना। रिलैक्स रिलैक्स, ये पूरी दुनिया आंखें होने के बावजूद भी नहीं देख पाती। इट्स ओके। और क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इन आंखों से देखती है, दिल की आंखों से नहीं। मेरी इसी कमी की वजह से आज मैं एक आर्टिस्ट हूं। मैं सिर्फ दिल की ही आंखों से देखता हूं, थैंकफुली। आप सब जानते हैं कि मैंने कभी कोई रंग नहीं देखा है, पर महसूस जरूर किया है। रंगों को महसूस सर? एग्जैक्टली, एंड दैट इज द सीक्रेट एंड आंसर ऑफ स्कल्पचर, महसूस करना, राइट? एक्सक्यूज मी, कैन आई बोरो सम वाटर प्लीज? थैंक यू। थैंक यू। अच्छा बताइए, ये जो ठंडा पानी है इसका क्या रंग है? ब्लू। तो हमारे दिमाग ने कहा कि ब्लू मतलब ठंडा, राइट? पर स्कल्पटिंग में तो कलर्स का यूज ही नहीं होता है। यस, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू एन आर्टिस्ट। भगवान है आप सब। क्यों? क्योंकि आप एक बेजान मिट्टी में जान डालने की ताकत रखते हैं। एक स्कल्प्टर अपने सब्जेक्ट से जान लेकर इस बेजान मिट्टी में डालता है, और इसमें हमारी रूह का एक गहरा रिश्ता होता है। हम तीनों में जी, आप जो बनाएंगे उसमें कुछ आपका और कुछ आपकी म्यूज का रूह का टुकड़ा होगा, और ये सब पॉसिबल होगा इन आंखों से। और इन हाथों से। तो बताइए कि कौन आज मेरा मूस बनना चाहेगा, कौन अपनी रूह का एक टुकड़ा इस क्लास के लिए डोनेट करना चाहेगा? मैं। और आप कौन? आरोही पवार। तो आरोही, पुल योर चेयर एंड कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ मी। अपने हाथों से अपनी म्यूज के चेहरे को महसूस करना। मैं आए? ओके। हर चेहरा, उसकी शिकन, उसकी लकीरें कुछ कहती हैं। आपके माथे की शिकन कहती है कि आप बहुत रेस्टलेस हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप बहुत खूबसूरत हंसती हैं। यू हैव ब्यूटिफुल लाफिंग लाइन्स एंड अ ब्यूटिफुल सिमेट्रिकल फेस।
बहुत हंसती हो आप, फिर अंदर बहुत बुखार बुखार आ रहा था तुझे। हाँ इट्स वो टीचर है, पढ़ा रहा था। ठीक है क्यूट है, पर कोई सीन वीन मत कर लियो उसके साथ प्लीज। यार इस रेट पे ना तेरा बीपी बढ़ जाएगा, सो चिल मैन। एंड आई एम रियली हंग्री, वहाँ पे बर्गर पे फ्रेंच फ्राइज फ्री मिलेगी, सो ट्रीट कर। ऑफ कोर्स मैंने तेरा एडमिशन कराया कॉलेज में, चल। That'll be all for today, guys. Thank you. It was a very good session. Thank you. चल, तू जाना। कुछ डाउट्स है सर को पूछ के आती हूँ। See you. हाँ रोहित बोलो। कैसे पता चला कि मैं हूँ? और एक बात पूछूं, आप हमेशा लेक्चर टाइम पे कैसे खत्म करते हैं? आप तो वॉच भी नहीं पहनते। पहला तुम्हारी खुशबू, और दूसरा यहाँ जो चर्च है उसकी गोंग बेल मुझे हर घंटे का एहसास कराती है। सो आई नो व्हेन द क्लास फिनिशेस। वापस रखो। क्या? मेरा केन वापस रखो। I was just trying to help you, sir. मुझे देखकर लगता है तुम्हें कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? I'm sorry. You need not be sorry. It's me, right? तुम तो बहुत स्मार्ट हो ना, तुम्हें सब पता है। I'm the one who needs help, right? No. तुम मेरी हेल्प करने से पहले खुद को हेल्प करो। Sir. I'm blind, but I don't need your help. हो ना आरोही? यस सर। आरोही आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया था। मैं जानता हूं कि तुम्हारी इंटेंशन मुझे हेल्प करने की थी, और पर यू नो हाउ इट इज, हम जैसे लोगों के साथ कोई सिंपथाइज करे इससे हमें सख्त नफरत है। वी कांट स्टैंड इट, और इसलिए मैं ओवर रिएक्ट कर गया था। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। आई एम सॉरी वंस अगेन। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके आई विल मीट यू टुमारो। बाय बाय। अब सर वो अब आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको घर छोड़ सकती हूँ। नो नो नॉट एट ऑल। मुझे मेरे घर का रास्ता बहुत अच्छी तरह मालूम है आरुही। हम कल मिलते हैं। आई एम श्योर आपको पता है, पर मुझे ना एक्चुअली असाइनमेंट के लिए कुछ हेल्प चाहिए थी, तो मैंने सोचा आई विल वॉक विद यू, और आप मुझे असाइनमेंट के बारे में कुछ हेल्प भी कर देना प्लीज। ओके लेट्स गो। ओके आर्टिस्ट है और यूएस जाकर आर्ट पढ़ना चाहती हूँ। हाँ वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये करियर चॉइस है या सिर्फ हॉबी है? हॉबी से कहीं ज्यादा, इनफैक्ट इट्स द ओनली चॉइस आई हैव। मैंने इस इंस्टीट्यूट को भी इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे एक स्कल्पचर बनाना है अपने असेसमेंट के लिए, और इस स्कल्पचर के बेसिस पे मुझे यूएस के बेस्ट आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। So yeah, that is what it is. Oh, nice. All the best. Thank you. Hey! Oi! I'm sorry, are you okay? Yeah, I'm fine. I'm sorry. We'll just cross the road. Okay. एक मिनट रुकिए, जाने दीजिए।
बीमार हुई, क्या हुआ? सर वो ये लोग भी ना रास्ता खुदा हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। Is it? हाँ। How's that possible? सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ वो पता नहीं ये लोग, और वहाँ पे ना मैंने वर्क का बड़ा सा बोर्ड भी है। हाँ तो अब? अब सर वो दूसरा रास्ता है, थोड़ा लंबा है, क्वाइट सा है, पर अच्छा है इफ यू डोंट माइंड। ओके कहाँ चलें? यहाँ से, आई विल गाइड यू थ्रू। सो आई वाज थिंकिंग कि तो फिर अरोही, सोचा तुमने कुछ अपनी असाइनमेंट के बारे में? एनीथिंग इन पर्टिकुलर? सोचा तो है। अच्छा क्या सोचा है? एक चेहरा, किसी आदमी का चेहरा। ओके किसी खूबसूरत से आदमी का चेहरा। दैट्स नाइस। सो हु इज दैट लकी मैन? आप। What are you saying, Aroi? मैं Aroi, I like your sense of humor. Thanks. लेकिन इस वक्त मैं सीरियस हूँ। पर Aroi, listen, तुम्हें मुझसे बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा। I am very serious about this. हो सकता है, पर मुझे सब्जेक्ट नहीं चाहिए, न्यूज़ चाहिए। प्लीज अब ना मत बोलिए, प्लीज प्लीज। सीरियसली मैंने ये पहले कभी नहीं किया है, और मैं सिर्फ स्कल्प करता हूँ, कभी चीजों से कभी लोगों से इंस्पिरेशन लेता हूँ, और दिस इज नॉट मी। मैं पहले कभी म्यूज नहीं बना हूँ। आप अगर आपने इसके पहले किया नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज मेरा असाइनमेंट है, प्लीज 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 मान जाइए। ओके वाओ ऑसम, थैंक यू सो मच। आरोही इट्स ओके। सॉरी वो क्या है ना, मैं कभी कभी इमोशंस में बह जाती हूँ, थोड़ी पागल सी हूँ, सॉरी। चलें? या लेकिन हम कहाँ कर सकते हैं? आई मीन मेरे घर पे तो नहीं हो सकते, इट्स स्लाइटली इम्प्रैक्टिकल। तो क्या हम आपके घर पे कर सकते हैं? मेरे घर नहीं। प्लीज 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 प्लीज। ओके ऑसम, थैंक यू। चलें? तुम्हें मुझसे बहुत अच्छा मॉडल मिल जाएगा। मुझे मॉडल नहीं चाहिए, न्यूज़ चाहिए। क्या हुआ? नहीं हो रहा? डर लग रहा है। कैसा डर? आपके जैसा नहीं बना तो। मैं तुम किन आंखों से देखती हूँ?
दिल की आंखों से देखोगी तो फिजिकली मेरे जैसा ना भी दिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मॉर्निंग। आज इतनी जल्दी आ गई? क्या करूं, कल रात को नींद ही नहीं आ रही थी। ओए होए, किसी को पसीना आ रहा है? बुखार आ रहा है? नहीं नहीं, इट्स आई वाज जस्ट सेइंग, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। बस यही कहना था? या मुझे लगा कुछ और कहना था। गॉड, मुझे स्टोर रूम में कुछ काम था, मैं वो खत्म करके आता हूँ। गुड मॉर्निंग रीति। गुड मॉर्निंग सर। रिच, वो एक्चुअली ना आई जस्ट केम हियर बिकॉज़ तो ये है तेरा प्रोजेक्ट वर्क, ये करने के लिए तो जल्दी आ गई थी। तुझे और कोई नहीं मिला? इसमें प्रॉब्लम क्या है? He is really nice, yeah. What the hell is wrong with you, Arohi? तू 15 साल की बच्ची तो रही है। तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है और तुमने अपना फ्यूचर प्लान करके रखा है। तुम्हें यूएस जाना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। Arohi नील अंधा है, तू तो देख सकती है ना। I really like him, okay? What we have is really beautiful. And I don't care if I don't go to US. I really don't. तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। Arohi नील अंधा है, तू तो देख सकती है ना। नील, नील, अरे कहाँ जा रहे हो? आज तुमने मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया? क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके?
सी यार, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो गलत था। तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा टीचर हूँ, और हमें इस रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसलिए अब से साथ साथ घूमना और एक साथ टाइम स्पेंड करना ये सब बंद। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। क्या? I'm sorry. क्या कह रहे हो तुम? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैं अंधा हूं पर तुम तो देख सकती हो ना। I'm sorry. अरे तुम एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, तुम्हारे अपने प्लान्स हैं। तुम अपने अपने करियर पर फोकस करो प्लीज। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। प्लीज जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फ्यूचर। आई एम सॉरी। नील ऐसे मत करो प्लीज। तुम जानते हो ना तुम मेरे लिए क्या हो। पिछले कुछ दिनों में आई फॉलन इन लव विथ यू नील। हम दोनों की दुनिया एकदम अलग है। तुम्हारी दुनिया में सिर्फ कलर्स हैं और मेरी दुनिया में सिर्फ अंधेरा। हम चाहकर भी कभी एक दूसरे की दुनिया नहीं देख पाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि हम दोनों संभल जाएं और अपनी अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। प्लीज फॉरगिव मी। नील मुझे सिखाया था दिल की आंखों से देखना, तुम ही देख नहीं पा रहे हो अब। मत जाओ। कौन? आरोही तुम यहाँ? What happened? ये लो। क्या हुआ आरोही? ये लो। ये क्या है आरोही? मैं तुम्हारी तरह दुनिया देखने की कोशिश कर रही हूँ। Listen आरोही। Please. Please don't do this. मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा, मेरे अंधेपन का? नहीं, मैं बस हम दोनों की दुनिया मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। You know what? I can't live without you. और उसके लिए अगर मुझे अंधा भी रहना पड़े तो it's okay with me. आरोही, please, please ऐसा मत कहो और मुझे समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं? It's not just you, Arohi.
तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और हमेशा रहोगी। मैं तुम्हारी हर बात, या तुम्हें तुम्हारी खुशबू, टच को कभी नहीं भुला पाऊंगा आरवी, कभी नहीं। बट रियलिटी इज मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूं आरवी। तुम्हारी पूरी लाइफ है आगे, तुम अपने ड्रीम्स पर फोकस करो, तुम अपने फ्यूचर पर फोकस करो प्लीज। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से इस दुनिया की इसकी खूबसूरती को देखना बंद हो जाओ। एक आर्टिस्ट के लिए इससे बुरी बात नहीं हो सकती आरवी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। I have to go. नहीं। ये सब सामान क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। और ये हम दोनों के लिए सही भी है आरवी। तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? Listen to me. कुछ दिन तक मुश्किल होगी पर धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। Please. मैं जानता हूँ तुम्हें वो मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। ओके सो यू विल गेट समबडी हु विल कंप्लीट यू आरोही प्लीज। यानी तुम भाग रहे हो है ना? सो टेक्निकली टुडे इज द लास्ट डे वी आर मीटिंग नील सर। सो कुछ हिसाब किताब कर ले नील सर। मैंने पहले ही दिन तुम्हें अपने एक रूह का टुकड़ा दे दिया था, बिना सोचे बिना समझे। लेकिन मुझे अपनी रूह का टुकड़ा चाहिए। I'm incomplete without it. I'm incomplete without you. You know what? You know what? You're just a liar. You are a big liar. तुम जो भी कहते हो, जो तुमने मुझसे कहा, जो मुझे सिखाया, everything was a big lie. You are just a very, very, very crude, selfish human being. That's what you are. Arui, Arui, listen. Arui, Arui, hey, Arui. बहुत दर्द हो रहा है। ट्रेन छोड़ दी, पकड़ ही नहीं पाए। फाइनली तू मुझे रोकने में कामयाब हो गई। मुझे प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। कभी, आई प्रॉमिस। बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की। दिन में 5 बार तुम मुझे आई लव यू भी कहोगे। फितूर जो सर पे सवार हो, I love you. जीना भी फिर दुश्वार। I love you. I love you. किसकी मजाल कोई रोक I love you. दे, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनू रुके नहीं। I love. ए बाबरी ये आशिकी गुस्ताख सी। मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। पर तुम्हारा यूएस जाने का प्लान और
वो कॉलेज उसका क्या होगा? एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसकी इंस्पिरेशन, और मेरी इंस्पिरेशन मेरे सामने बैठी है। मैं अपने म्यूज को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अरोही और नील बाकी कपल से बहुत अलग थे। उनके रिलेशनशिप का ड्रॉबैक ये था कि नील देख नहीं सकता था। नील इस चीज को अपनी डिसेबिलिटी मानता है, लेकिन अरोही उसकी आंखें बनना चाहता है। अपनी आंखों के जरिए वो नील को दुनिया दिखाना चाहता है। अब ये तो खूबसूरती थी इनके प्यार। इसीलिए अगर कोई है जो आपसे प्यार करता है तो प्लीज खुद को रोकिए। बहुत कमाल की चीज है ये प्यार। ऑन दैट वाई नोट, मैं आपका होस्ट मृणाल दत्त आपसे इजाजत लेना चाहूंगा और अगले हफ्ते एक और कमाल की कहानी के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा। टिल देन, स्टे इन लव। बेशर्मियां बर्बादियां इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो, किसकी मजाल कोई रोक दे, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क़ जुनू रुके नहीं, ए बावरी ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबा।